अभी हम लोग जड़ी बूटी आकर रुक चुके हैं। आईना सीधे 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 तो अभी हम लोग जड़ी बूटी आ चुके हैं। अभी हम लोग कोटेश्वर पुगने वाले हैं। अभी हम लोग एयरपोर्ट के पास में ही है। काठमांडू का एयरपोर्ट यहीं पर है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है ये। पहले पहले आ रहे थे तो उसी रोड से हम लोग जा रहे थे, अभी ये रोड बना दिया है, अच्छा हो गया है, जाम में नहीं पड़ना पड़ेगा उतना देर। पहले आए थे तो ये रास्ता बन रहा था, तो यहाँ से सीधे लेंगे तो आप लोग एयरपोर्ट के ओर चले जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ से कलंकी चले जाएंगे, और कलंकी से फिर मुड़ना पड़ेगा हम लोग का लेफ्ट के ओर, लेफ्ट ओर मुड़ के और नाम होगा होते हुए हम लोग नारायणगढ़ घूमने वाले हैं। अभी हम लोग कलंकी आकर रुक चुके हैं, यही कलंकी का चढ़ाई निकल रहे हैं, और वो अंडरग्राउंड रोड है कलंकी का, गाड़ी भी जाता है वो तो सीधे जाना होता है, वो नीचे से चला जाता है। हम लोग सीधे जाएंगे तो चावल हो चले जाएंगे, ये रोड भी उधर एयरपोर्ट की ओर चला जाता है, और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेने वाले हैं, नारायणगढ़ जाने वाले हैं, और उधर राइट साइड लेंगे तो काली माटी उधर चले जाएंगे, उधर सब्जी मंडी है, काठमांडू का सबसे पाव बड़ा सब्जी मंडी। सो फाइनली गाइज अभी हम लोग नागढुंगा काठमांडू, अब नागढुंगा का यहाँ पर झराई पड़ने लगेगा, 20 किलोमीटर झराई पूरा। सो फाइनली अभी हम लोग नागढुंगा से खाना वाना खाकर अभी नागढुंगा का झराई हम लोग झर रहे हैं, यहाँ से तो पूरे नीचे तो रोड दिखाई देता है, वो आप लोग का नजर आ रहा होगा रास्ता और गाड़ी। काठमांडू आने के लिए यही बड़ा चढ़ाई पड़ता है। कछुआ जैसा गाड़ी चढ़ता है, एक नंबर में दो नंबर में, जितना भारी भारी सामान लोड होता है इसीलिए एक नंबर दो नंबर में चढ़ता है गाड़ी, अब बस के जैसा तो हल्का नहीं रहता है। अब उधर से आ रहे थे तो नाइट था इसीलिए उतना अच्छा क्लियर नहीं आ रहा था, इसीलिए नहीं बनाए वीडियो।
और यहाँ पर स्लोली स्लोली भी चलना पड़ता है गाड़ी गाड़ी के अनुसार, जितना नंबर मांगता है उतना नंबर में आराम से देकर चलते रहिए। सबसे डेंजर चढ़ाई यहीं पर पड़ता है, यहीं पर इंडियन गाड़ी लोग आता है ना, इंडियन गाड़ी का तो कुछ ना कुछ खराब हो जाता है यहाँ पर। इस बार हमारा भी गाड़ी का यहाँ पर गियर बॉक्स पूरा टूट गया था, हम लोग तीन चार मान लिए थे इसीलिए बहुत दिन का बात हो गया। ये वहाँ पर उल्टा टर्निंग पड़ता है, गाड़ी ही नहीं कान में पड़ता है। तो अभी हम लोग पिछला मोड़ करते हुए अभी नीचे जाते हुए चल रहे हैं, अभी इसके हल्का गाड़ी वो कुछ बंगला है कुछ क्या है ना पता तो नहीं है हमको भी, घरलाई के भन्छ त्यहाँ अगाडि छ नि त्यो एउटा त्यो पुरै पहाडमा बनाएछ त्यो त्यो घरको नाम चाहिँ के हो तपाईँले थाहा छैन। आप लोग का पता होगा तो गाइस कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि हम लोग के भी पता हो जाए। इधर ये पूरा पहाड़ के अंदर ही अंदर है, तो अभी हम लोग घूमने वाले हैं शोरूम के पास, वो अंडरग्राउंड रोड बन रहा है वहाँ पर घूमने वाले हैं टर्नल, वहाँ से अब छोटा छोटा गाड़ी के लिए रास्ता बन रहा है, उतना जाम नहीं लगेगा, फिर यहाँ पर जाम लग गया है और बना रहा है इसीलिए यहाँ पर जाम लग जाता है, गाड़ी बिगड़ रहता है इसीलिए भी जाम लग जाता है। और अभी हमारे ईश्वर दाई ड्राइव कर रहे हैं, कैसा दाई इसको मतलब क्या हो इसको मतलब क्या हो एनजीओ मेरो अखंड खलासी गीत गाइरहेछ कस्तो कसरी खंड कला दिन भर सोता है दिन भर सुन सुन लात भर सुतिया छैन होइन तिमी तिमी अनि जाइ सुतिया छैन त ये मेरा अखंड खलासी तो रात भर नहीं सो पाया है और हमारे ईश्वर दाई भी नहीं सोए हैं, रात भर फुल नाइट आज ड्राइव किए थे। अभी नागडुंगा झर जाएंगे तो उधर से आराम नहीं होगा तो कर लेंगे ईश्वर दाई और अनिल भाई भी। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो बना लूँ, जाऊँ जान खुलियो
अभी हम लोग उधर ही से आ रहे हैं, ऊपर पहाड़ के उधर से झरते झरते अभी इधर आ चुके हैं और इसी के अंदर बन रहा है सुरंग, सुरंग टनल आप लोग जो समझ जाए। एक तो बन गया है और फिश करने के लिए बाकी है और दूसरा वहाँ पर बन रहा है। अब पता नहीं हमारा बाढ़ा गाड़ी तो अलाउ है कि नहीं है, पर मुझे तो जहाँ समझ लगता है हम लोग के लिए अलाउ नहीं करेगा ये बाढ़ा वाला में भी। तो मशीन हम लोग लेकर जाएंगे तो धो लेगा, ऊपर पकड़ लेगा ना, तो हम लोग को ऊपर चढ़ कर जाना पड़ेगा ये। पर थोड़ा हाइट में होगा तो इधर से भी निकल जाएगा हम लोग का गाड़ी, टेंशन नहीं है। यहीं पर बन रहा है सुरंग मार्ग और यहाँ पर इंडियन गाड़ी बिगड़ा हुआ है, इसी के लिए जाम लग गया है। ये लोग लेकर आता है 60 टन 80 टन। क्या हो गया है वो स्टार्ट क्या हो गया है, खराब हो गया है गाड़ी, खराब हो गया है रास्ता। हाँ वो भाई का गाड़ी खोल रहा है, नहीं चढ़ पा रहा है तो इसीलिए बैक करके टाई लगा लिया है। अब पहली बार आया होगा इधर नेपाल में, इधर तो नेपाल में भी बहुत इंडियन गाड़ी चलता है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। इंडियन गाड़ी को तो इंडियन में अच्छा होता, वो लोग जब पता नहीं रहता है तो क्यों आते हो भाई लोग। हमारे नेपाल में गाड़ी को थोड़े ना कमी है यहाँ पर। तो अभी रास्ता खराब है, अब धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितना इंडियन गाड़ी आ रहा है यहाँ पर नेपाल में हमारे। वो वहाँ से हम लोग ऊपर से झरते झरते आ रहे हैं, वो घर दिख रहा है उधर से। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग नवीसिया आकर पहुंच चुके हैं और नवीसिया से अभी हम लोग सीधे जाने वाले हैं नारायणघाट, और नारायणघाट से फिर गंडा जाएंगे। माल तो हम लोग का रेडी हो गया है, डंडा से लेकर जाना है रोला वो चनावटा बोल रहा था, मैं फाटी वाला से बात कर लिया हूँ और नंबर वंबर सब ओके है, मिल गया है हमको, बात हो गया है। ब्रेडर से जाने में जितना टाइम लगेगा वहाँ पर लोड करने में बोल रहा है टाइम नहीं लगेगा, रेम पुम सब रेडी है, आइए लोड करिए चलते रहिए बोला है। अब देखते हैं यहाँ पर नदी है, हम लोग नेपाली में खोला बोलते हैं, और यहाँ से आप लोग ये वाला रास्ता जाएंगे ना सीधे बाई रोड होते हुए भैसवड़ा चला जाएगा। यहाँ से 105 किलोमीटर होगा ये रोड, पर ऊपर पहाड़ वो पहाड़ दिख रहा है उधर, चढ़ते 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 एकदम चढ़ाई है वो ये वाला रास्ता। हम लोग 10 चक्का गाड़ी लेकर इधर से नहीं जाते हैं, खाली गाड़ी जो हो चाहे लोड गाड़ी हो, क्योंकि डीजल भी उतना खाई जाता है और टायर भी बहुत खाता है, टायर ये रोड में बहुत घिस जाता है, टर्निंग बहुत है, पूरा यू टर्न वाला टर्निंग है, इसीलिए हम लोग उधर से नहीं जाते हैं। 6 चक्का गाड़ी रहता है तो लेकर चले जाते हैं इधर से कभी काल के, पर बात तो वही पड़ जाता है, 6 चक्का भी लेकर जाते हैं तो उतना ही डीजल खा जाता है, मगर पूरा हाथ रुक जाता है यार, इतना ज्यादा टर्निंग है ना, टर्निंग से तो हाथ रुक जाता है,
इसलिए हम लोग तो नीचे ही के रास्ता से जाते हैं। पहले ये रोड नहीं बना था ना, हम लोग का जमाना में तब वो रोड बना था बाई रोड। पहले डी मॉडल एस मॉडल गाड़ी रहता था, इधर वही उधर से चलता था वो गाड़ी। और फिर यहाँ पर जाम लग गया है, बस गिर गया है नाला में लग रहा है हमको। ऐसा वहाँ पर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ पर। आप लोग को नज़र आ रहा होगा वहाँ पर हाइड्रा लगा है। और बस लग रहा है हमको नाला में गिर गया है ना राइट। यार आप लोग चलाते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलाइए, थोड़ा आराम से जाइए, क्योंकि अभी गाड़ी बहुत है नेपाल में। और रोड है तो पूरा टू वे लाइन का रोड है, सिंगल सिंगल। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग खैर घारी आकर रुक चुके हैं और यहाँ पर जाम लग गया है, लग रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। आधा घंटा से हम लोग फंसे हैं जाम में, अब निकलने ही वाले हैं हम लोग भी अभी। और हमारा अखंड खलासी सो गया है और ईश्वर दाई भी सो गए हैं, क्योंकि रात भर उन लोगों ने लेकर आया है। अभी चलते हैं देखते हैं क्या हुआ है। एक्सीडेंट हुआ है, बस ने पाछे से लिया कर मार दिया है। बस में महेंद्र नगर टू काठमांडू चलने वाला बस है, इसने रोका होगा और वो लिया कर मार दिया होगा। कसरी भयो दाइ, केही थाहा छ? उनसे पूछे तो ओ माय गॉड, तीन तीन वाटा गाड़ी, तीन तीन को गाड़ी लड़ाए। इसलिए आप लोग ड्राइव बी केयरफुल भाई, आप लोग ड्राइव ड्राइवर लोग देख रहे हैं बी केयरफुल, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं नेपाल में रोड कितना खराब रोड है, खत्म रोड है, सिंगल रोड है और गाड़ी भी उतना ही है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग जलबीरे आकर पहुंच चुके हैं और यहीं से जलबीरे का झरना भी है, यहाँ पर वाटरफॉल इधर में है, उसका नाम है लामो झरना, लेकिन बहुत बड़ा वो झरना है, मैं तो गया हूँ वहाँ पर। आप लोग गए हैं कि नहीं कमेंट करके बताइए कैसा है, फिर नहीं होगा तो कभी जाएंगे उधर घूमने के लिए। अभी तो फुर्सत नहीं है क्योंकि वो पार्टी वाला रह रहे का फोन कर रहा है, अभी बोल रहा है जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं बोला अभी एक घंटा लग जाएगा। अब इसके बाद नारायणगढ़ में हम लोग थोड़ा सा शूट करेंगे और वहाँ से एक डांडा मिसाइल लोड करने के वक्त, और हम लोग ये नारायणी के किने किने चल रहे हैं किनारे किनारे अभी। मैं ठारम गाड़ी आउँदैछ, मेरो साथीको गाडी हो अभिषेक साथीको। तो अभी चल के हम लोग नारायणघाट में मिलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग नारायणघाट का पुलिस स्टेशन पे आ चुके हैं। Yeah, oh.